नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और शुरुआत जंक फूड के खिलाफ लड़ाई की खबर से। जी हां, फूड रेगुलेटर FSSAI की ओर से एक गठित पैनल ने प्रोसेस्ड फूड आइटम और एक्स्ट्रा शुगर वाले बेवरेजेस पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूलों की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, चिप्स, बर्गर, पेस्ट्रीज जैसी ढेरों चीजें नहीं बिकेंगी। तो फूड रेगुलेटर FSSAI की ओर से गठित पैनल ने प्रोसेस्ड फूड आइटम और एक्स्ट्रा शुगर वाले बेवरेजेस पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की सिफारिश की है। साथ ही साथ पैनल ने बच्चों के टीवी चैनल पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने की भी सिफारिश की। FSSAI ने फैट, शुगर और नमक के ज्यादा इस्तेमाल से हेल्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर समिति का गठन किया था। इस पैनल में अलग अलग फील्ड से 11 सदस्य थे। पैनल के मुताबिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट्स पर एक्साइज टैक्स लगाया जाना चाहिए।